अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रोआरबी में। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है वो विशेष है आप सभी लोगों के लिए, 8 राशि वालों के लिए। ग्रहों के जो राजा हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, किस किस राशि के लिए ये लाभकारी रहेंगे, किस किस राशि को ये लाभ देंगे, किस राशि के लिए अत्युत्तम होने वाले हैं, किस राशि के ये वारे न्यारे करेंगे, किस राशि को धन लाभ कराएंगे, किस राशि को प्रमोशन देंगे, किस राशि को नौकरी लगेगी और किस राशि के लिए संतान होगी, और विद्यार्थियों के लिए किस तरीके से ये सूर्यदेव लाभ देंगे, क्योंकि ज्ञान के दाता हैं। और सूर्यदेव आपको पता ही होगा कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी को किसने दी थी, यानी सूर्यदेव ने। सूर्यदेव जो है ज्ञान के भंडार हैं और गुरु हैं, और पूरी दुनिया को जो है अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊष्मा से जीवित रखते हैं। तो सूर्यदेव की जो कृपा है, यदि गर्मी ना हो तो इंसान वैसे ही ठंड से मर जाए। यदि सूर्य के अंदर प्रकाश ना हो, सूर्य के अंदर ऊष्मा ना हो, और सूर्य के अंदर जो प्राणदायिनी शक्ति है, ऊर्जा शक्ति, वो हमें सूर्यदेव से ही मिलती है। तो दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत विशेष है आप सभी दोस्तों के लिए। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपकी राशि के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव जो है एक माह के लिए राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि पर रहते हैं। तो कौन सी वो 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पे जो है सूर्यदेव की विशेष कृपा, विशेष ऊष्मा, विशेष ऊर्जा रहेगी? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कब से हो रहा है, यानी 16 अगस्त से और 15 सितंबर तक सूर्यदेव जो है एक राशि पर रहेंगे। और आप लोगों की वो 8 राशियां कौन कौन सी है, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्र लग्न पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि पर भी जान सकते हैं, और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म टाइम नहीं है, तो वो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज के मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और भी विशेष बात, यदि आप गरीब हैं, विद्यार्थी हैं और बीमार हैं, तो आप भी मुझे जो है हर मंगलवार को 10 बजे से 12 बजे तक फ्री प्रेडिक्शन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उपाय के सहित मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो के लास्ट में आपको उपाय भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा उपाय श्रेयस्कर रहेगा कि आपका रुका हुआ काम बने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि पे जो है सूर्यदेव जब परिवर्तन करेंगे तो पंचम भाव में, यानी मेष राशि आपकी ये है, और यहाँ से सूर्यदेव जो है अपनी राशि में आ रहे हैं, सूर्यदेव सिंह राशि में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मेष राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत खास होने वाला है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका आगे बढ़ने का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो अत्युत्तम है, और जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं, जिनका मन नहीं लगता है, मन भ्रमित हो जाता है, उनके लिए भी बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि सूर्यदेव ज्ञान के दाता हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करेंगे। और वैसे भी दोस्तों, ये जो पंचम भाव है ये संतान का होता है, और यही भाव आपकी पढ़ाई का होता है और आपके प्यार प्रेम यानी लव लाइफ का भी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, विदेश गमन कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, मतलब जो भी आपका XYZ जो भी काम आपको करना है, एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना है, आपको जो है PhD करनी है, आपको BMS करना है, कुछ भी आप करिए, सूर्यदेव आपके साथ में है, सूर्यदेव का प्रकाश उष्मा आपके साथ में है, आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत खास है। दूसरी बात साथियों, आप जो है यदि संतान के लिए जो है लालायित हैं, तो संतान के लिए भी अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप लोग संतान कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जिन व्यक्तियों की संतान है उनको संतान से रिलेटिव खुशी मिलेगी, या संतान की नौकरी लग जाना, या संतान को अच्छे डिवीजन से पास हो जाना, ऐसी भी स्थिति बनती है। प्यार प्रेम वालों के लिए भी बहुत खुशी की बात है, यानी जिनका प्यार प्रेम नहीं था उनका प्यार प्रेम प्रागाढ़ होगा, और जिन लोगों को जो है लव मैरिज के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, घर वाले नहीं मान रहे थे और बहुत परेशान थे कि क्या करें,
तो उनके लिए भी मार्ग निकलेगा, सूर्यदेव रास्ता देंगे। यानी जहाँ पर जो है अंधेरा होता है और जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, सूर्य का प्रकाश वहाँ तक पहुँच पाता है। तो आप लोग घबराएं नहीं, आपके लिए सूर्यदेव बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। बात कर लेते हैं आपकी जो है मिथुन राशि की, और यहाँ से जो है पराक्रम भाव में, यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये आपकी राशि है, और यहाँ पर तृतीय भाव में सूर्यदेव जो है संचरण करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर जब सूर्यदेव आएंगे तो सूर्यदेव आपके लिए जो है ये भाव किस चीज़ का है, पराक्रम का है, परिवार का है, भाइयों का है, बहनों का है, और ये ही भाव आपके पराक्रम को आगे बढ़ाने के लिए है, आपका जो है आगे बढ़ने के लिए व्यापार बिजनेस का है, आपका जो है मित्रता का है। तो यहाँ पर जो है सूर्यदेव आपके वारेन्यारे करेंगे, सूर्यदेव जो है मिथुन राशि वालों को नौकरी भी देंगे, प्रमोशन भी देंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे और आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जो भी काम आप लोगों को करना है तो यहाँ पर सूर्यदेव की जो युति है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव अपनी राशि पर आ रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि में जो है आपको पता ही होगा कि बुध यदि सूर्य के साथ में आ जाते हैं तो बुधादित्य योग बनता है, और मिथुन राशि में जो है यहाँ पर तृतीय भाव में सूर्य का आ जाना, सूर्यदेव जो है सिंह राशि में जब आएंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है उनका प्यार प्रेम, उनका वैवाहिक जीवन यानी स्वास्थ्य यानी भाग्य, करियर, बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बस शर्ते दोस्तों आपकी कुंडली में सेम इसी तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको जो है आस्तिक होना चाहिए। नास्तिक लोगों के लिए होता क्या है कि उनकी ग्रहचाल यदि कष्टी है तो दिक्कत आ सकती है। यानी तीसरी जो राशि है वो कौन सी है, यानी सिंह राशि, और सूर्यदेव जो है जब यहाँ पर संचरण कर रहे हैं अपनी राशि में तो लग्न में है, तो आपका जो है जो विचार हैं वो बहुत सुंदर आएंगे। आपके जो है जो मुख है आपका, वहाँ पर जो है चाहे आपका नेत्र विकार हो वो ठीक होगा, चाहे आपको शारीरिक कोई दिक्कत हो वो ठीक होगी, चाहे आपको मानसिक कोई प्रॉब्लम हो वो ठीक होगी। आपका दिमाग जो है बहुत अच्छी सोच रखेगा, बहुत अच्छे विचार आपको आएंगे। आपका जो है आगे बढ़ने का क्षेत्र, आपका व्यापार का क्षेत्र, आपका बिजनेस का क्षेत्र, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई लिखाई, यानी सब कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सूर्यदेव जो है आपके वारेन्यारे करेगा, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्य नारायण हैं, सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान के भंडार हैं, आपको ज्ञान से, ऊर्जा से और अपनी उष्मा से आपको जो है बहुत अच्छा रखेंगे, और आपके अंदर स्फूर्ति होगी, आपके अंदर जो है दिमाग जागृत रहेगा। आप जो है किसी काम पे यदि कोई दिक्कत पहले से हो रही थी वो दिक्कत भी ठीक होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यानी चौथी राशि है साथियों तुला राशि। यहाँ पर सूर्यदेव जो है संचरण करेंगे तुला राशि के। दोस्तों तुला राशि के जो है अगर हम बात करें तो तुला राशि जो है 11वें भाव में सूर्यदेव जो है संचरण करेंगे, तो यहाँ पर जो है सूर्यदेव की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। सूर्यदेव जो है ये भाव किस चीज़ का है, आय का है, आपके आगमन का क्षेत्र है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो भाग्य का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे बिजनेस का हो, यानी किसी भी क्षेत्र में यानी अर्निंग का स्रोत आपका अच्छा बनेगा, व्यापार का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपका जो है प्यार प्रेम बहुत शुभ चलने वाला है, आपका धन रुका हुआ था धन आगमन होगा, भाग्य आपका प्रबल होगा, अचानक धन की आपको प्राप्ति होगी, आपका नेम फेम होगा, विदेश गमन की यात्रा भी आपकी हो सकती है, और आप जो है स्वस्थ भी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के। जो है यहाँ पर सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं आपके करियर भाव में। वृश्चिक राशि के करियर भाव में प्रवेश करने से जो है सूर्य नारायण आपको जो है आपका करियर बनेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप यदि कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रमोशन जरूर होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका जो है नाम होगा। तीसरी चीज़ क्या होगी, आपके खिलाफ़ यदि कोई राजनीति कर रहा था तो वो राजनीति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उस व्यक्ति को अपने आप ही उसको बैक होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ साथियों, प्यार प्रेम के क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनती है, आपका जो है वैवाहिक जीवन में सुंदर स्थिति बनती है, आपका जो है मित्रता के क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति आपकी होगी। दूसरी चीज़, आपका कोई विशेष व्यक्ति आपकी उन्नति के मार्ग में आएगा, आपकी उन्नति और प्रगाढ़ करेगा।
तीसरी चीज, कोई महिला मित्र आपको जो है विशेष योगदान देगी और वहां से भी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सुंदर योग बनता है, अच्छा शुभ योग बनता है। सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है, अपनी राशि में आगमन है, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं बनती है। छठी राशि है धनुराशि। धनुराशि में जो है सूर्यदेव कहाँ पर संचरण करेंगे, यानी आपके भाग्य भवन में, और भाग्य का जो क्षेत्र है वो उन्नति का होता है, आपके भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए होता है। कहीं पर यदि आपके भाग्य में अवरोध आ रहा था तो सूर्य नारायण अब आपके भाग्य को आगे ले जाएंगे। आप जो है व्यापार कर रहे थे, नहीं बात बन रही थी, अब बात बनेगी। आप जो है कहीं पर पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, वहाँ कोई दिक्कत हो गई थी, अब वो दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी चीज जो है, यदि आप भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति वाहन इत्यादि कुछ काम करना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी सुंदर स्थिति बनती है, क्योंकि भाग्य भवन है और भाग्य भवन में सूर्यदेव का आगमन आपके लिए जो है विशेष उन्नति लाएगा। और सूर्यदेव ज्ञान के दाता हैं, और धनुराशि वालों के लिए जो है, धनु लग्न वालों के लिए जो है बहुत सुंदर स्थिति बनती है। सूर्यदेव अपने ज्ञान से आपको ओतप्रोत करेंगे और आप कहीं भी पहले से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही थी वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। पर आपको बसरते साथियों, आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। यानी भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपका शुभ बनता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, यानी भाग्य भवन है, भाग्य उदय कब होता है, यानी विवाह होना, संतान होना, नौकरी लगना, प्रमोशन होना, संपत्ति अर्जित करना, भूमि भवन जगह जमीन इत्यादि को करना, कहीं से आपको विशेष लाभ मिलना, जहाँ पर आपने कोई धन का व्यय किया हो, धन लगाया हो, तो वहाँ से आपको जो है दुगुना तिगुना धन प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति, कहीं पर धन फंसा हुआ वो आपको मिल सकता है। सातवीं राशि सप्तम भाव का आपका पता होना चाहिए, कि सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का भी है, पत्नी सुख का भी है, व्यापार बिजनेस का भी है। तो यहाँ पर आपका जो व्यापार बिजनेस है वो बढ़ चढ़ करके होगा, आपको धन का आगमन रहेगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फंसा हुआ धन आपका मिलेगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटिव आपकी कोई दिक्कत चल रही थी वो भी निपटती हुई नजर आ रही है। आप जिस क्षेत्र से परेशान थे उस क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा दोस्तों आपको जो है थोड़ा सा ईगो जरूर रहेगा, आपको जो है थोड़ा क्रोध की अधिकता रहेगी, छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करना, गुस्सा करना, उसको आपको डाउन करना होगा। तो आपको जो है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से रिलेटिव हो, चाहे भाग्य से रिलेटिव हो, चाहे धन संपत्ति से रिलेटिव हो, प्रमोशन से रिलेटिव हो, नौकरी लगने से रिलेटिव हो, बहुत अच्छा योग सूर्यनारायण आपके बना रहे हैं। और सप्तम भाव में आपके जो है पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि आप रोज मेडिटेशन और योगा करते हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा जो है अपना क्रोध कम करना होगा, बात बात पर उठना कम करना होगा, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। खान पान सही रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आठवीं राशि की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि जो है आपके जो है छठे भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे, और सूर्यदेव जो है 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके जो है ऋण, रोग और शत्रु का नाश करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब का योग बना रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। यानी यहाँ पर ये जो स्थान है साथियों, छठा घर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऋण, रोग और शत्रु का होता है। यदि आप पे ऋण हो गया था, ऋण का छुटकारा हो जाएगा। यदि आप लोन लेना चाह रहे थे तो लोन होगा आपका। यदि आप बहुत पहले से कर्जे में डूबे हुए थे तो वो उतर जाएगा आपका। यदि आप जो है रोग से पीड़ित थे, आपको पैरों का विकार हो गया था, आपको पेट का विकार हो गया था, आपको दांतों का विकार हो गया था, आपको आंखों से रिलेटिव प्रॉब्लम हो गई थी, आपके बाएं भाग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, पेट से संबंधित, नसों से संबंधित कोई दिक्कत आपको बन रही थी, एलर्जी हो रही थी आप पे, आपको जो है क्रोध की बहुत ज़्यादा अधिकता हो रही थी, यहाँ इन सब चीज़ों का सूर्य नारायण नाश करेंगे। यानी जैसे अंधकार को जो है चीरते हुए सूर्यदेव प्रकाश ला देते हैं, अंधकार को जो है दिन में परिवर्तित कर देते हैं, रात्रि को दिन में परिवर्तित कर देते हैं, और अज्ञान से हटा करके ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधेरे को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश आपको दे देते हैं, तो वो स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत सुंदर होने वाली है। तो आपका जो है यहाँ पर छठा भाव सूर्यदेव आपके लिए ज्ञान, प्रकाश, ओज, सुख, वैभव, संपत्ति इत्यादि सब लेकर के आएंगे।
आपको जो है आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको रह सकती है, तो वो भी सूर्य नारायण ठीक करेंगे। तो आपको योगा मेडिटेशन जरूर करना होगा, और बाकी आपका भाग्य भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, और मानसिक युति को आपको जो है ठीक करना होगा, अपने विचारों को जो है अच्छा रखना होगा, वाणी को अच्छा रखना होगा, तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये बताया दोस्तों मैंने, यानी 8 राशियों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 16 अगस्त से और 15 सितंबर तक आपके लिए सूर्यदेव आपके वारे नारे करेंगे, आपका मान सम्मान यश वैभव वृद्धि सब आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग जो है बने रहिएगा, सूर्यनारायण का सूर्य अर्घ्य आप जरूर दीजिए, और साथ साथ में जो है सूर्य चाक्षुषी मंत्र का जाप आप जरूर करिए, और घृणी सूर्याय नमः से सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।